अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन। और मैं हूँ मोहम्मद राशिद। मैं हूँ वाजिद। ये हमारा प्यारा सा दोस्त है। आज के ब्लॉग में हम आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहते थे। वाजिद हम एक भाई के पास आए थे, हमने जरा घूमने फिरने के लिए जाना था शक्करपड़ी की तरफ। हमारा मूड था हम आपको भी लेके चलते हैं, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त हो गए हैं और बारिश हो रही है अच्छी खासी, शदीद वाली। और जो जाने का सीन है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो बारिश रुक गई है या तो ऐसे ही हुआ है कि अभी बारिश हुई है और अभी रुक गई है? कोई 5-10 मिनट बारिश हुई होगी। मौसम जो है वो ज़बरदस्त हो चुका है। खैर आपको मौसम भी दिखाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि चले जाते हैं शक्करपड़ियाँ से, आपको भी घुमा के लाते हैं। कैसे हम 200-400 रुपये में सिर्फ शक्करपड़ियाँ भी घूम के आएंगे, और बहुत मज़ेदार तरीके से। बहुत ज़बरदस्त व्यू है शक्करपड़ियाँ का। वैसे जिस तरह का मौसम है उसमें मज़ा भी है। चलो आपको अपनी गाड़ी भी स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं। और वहाँ जा कर फिर आपको मिलते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो हमारी सवारी शुरू हो गई है। सब शक्करपड़ियाँ जा रहे हैं, खूबसूरत मौसम हो गया और पेट्रोल पंप भी आ गया। यहाँ पेट्रोल इंशाल्लाह डलाएंगे, पेट्रोल डला के फिर आपसे मुलाकात होती है। हाँ जी, तो सीन हो गया, एक पेट्रोल डलाने गए, कहते 500 किलो पेट्रोल ही नहीं हम डाल के देंगे यार। आप हो रही है, ये सारी चीजें पूरी हो रही है। ये हमारा दोस्त पीछे बैठा यार, ये इवन कैन हैवी एंड सारे को पैसा बहुत ज्यादा है, छोटे मोटे पेट्रोल का सब पाया कहने यार। यार मेरे को भी यार ड्रेग गाली है। अजीब कहानियां हो रही है हमारे साथ। हां खैर करे, बाकी हम ये चाह रहे थे कि पहुंच जाए, मतलब ये ना हो कि पेट्रोल खत्म हो जाए। किसी और जगह पे जाके रुकेंगे, हम कोशिश करेंगे वहां पे हमें 500 से नीचे वाला पेट्रोल जो है वो मिल जाए, क्योंकि अगर वो ना मिला तो हमें पैदल जाना पड़ेगा। और फिर हम आपसे बहाना ये करेंगे, हम मौसम जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और आपको भी घुमाने लाए, इसलिए हम पैदल निकल पड़े। हालांकि ऐसी बात है नहीं, हालांकि ऐसा जलील था वो। चले, हम तो खुआर हो रहे हैं, साथ साथ आपको भी कराएंगे हम हमारा ब्लॉग के थ्रू। आप देखें हम जो खुआर हो रहे हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो हमारे इधर कायदे आजम साहब बने हुए, जिन्होंने एक छोटी सी माशाल्लाह पे, तो हम पे इतने ख्याल, एक छोटी सी गलती की जो पाकिस्तान बना के दे दिया था, उसके बाद से हमने इनको सिर्फ इतना ही कह दिया, तस्वीर लगा दी और पाकिस्तान को रूम पाया इसको। लेकिन आपके जो इंटरेस्ट है ये हमारे शक्करपड़ी में इंटरेस्ट है, आप शक्करपड़ी की तरफ एंट्रो हो चुके हैं। आप रोड वगैरह भी देख रहे हैं और खूबसूरती है, और यहाँ से मुड़ के हम शक्करपड़ी के तरफ। हम लोग फिर सब पहुँच चुके हैं, हम जो है शक्करपड़ी, सॉरी मोनूमेंट जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारा एक छोटा सा प्रैंक, वो प्रैंक अभी बताना नहीं है। वो क्यों नहीं बताना, मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल सुनाना चाहूँगा।
वो जो किस्मत होती है ना, किस्मत इंसान की, अगर आप समझदार हो हमारी किस तरह की होगी। हम शक्करपड़ियाँ पता नहीं कहाँ से घूम घूम के बारिश में आया और यहाँ पे आए तो शक्करपड़ियाँ बंद मिला है, मोनोमेट्स बंद मिला है। और ये बंद इसलिए है कि इसने चीन का मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपने शायद आना इधर, इस वजह से उन्होंने पब्लिक हॉलीडे किया हुआ है इस्लामाबाद पूरे में। वैसे हमें खैर छुट्टी थी, इसी वजह से हमें ये याद था कि हमें छुट्टी, हमें ये याद नहीं था हर जगह छुट्टी होगी। आपको ये जो मेरा प्यारा सा दोस्त है ये आपको ज़रा मोनोमेंट बाहर से इसके गेट तक ज़रूर विज़िट कराते हैं, आप देखें इंशाल्लाह फिर कभी आपको अंदर से भी विज़िट कराएंगे। चलें, आपकी किस्मत और हमारी किस्मत सिर्फ गेट तक ही थी, आपको गेट से ही दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या है। आप ज़रा मेरे पीछे देख रहे हैं, पीछे ये गेट है और दूर से ही आपको दीदार करना पड़ेगा। पीछे वो मोनोमेंट है लेकिन वो सही तरह से हम देख नहीं पा रहे क्योंकि दरवाज़ा बंद है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे जब हम मोनोमेंट जाएंगे। जी आ गए हम फिर ताहिर खान रेस्टोरेंट, आपको दिखाते हैं ताहिर खान रेस्टोरेंट बाहर से भी और अंदर से भी, इंटरेस्ट भी चेक कराते हैं आपको, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका इंटरेस्ट है, वो भी आपको दिखाते हैं जरा और बताते हैं इसके खाने में क्या खास बात है और क्यों इतनी हाइप मची हुई है। मैं आपको इसका फ्रंट भी दिखा देता हूँ। ये है द मशहूर ताहिर खान रेस्टोरेंट AKA TKR, बहुत ही खूबसूरत जगह। सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूँ, घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह और खाना भी यहाँ का बहुत मजे का होता है। लेकिन 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 मलक साहब बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा, अल्लाह माफ करे, हम दो बार आए हैं, कपड़े सपड़े भेज के बिल देना पड़ता है। मतलब कि स्टूडेंट के लिए रिकमेंडेबल नहीं है वो, तब रिकमेंडेबल है अगर आप 7-8 लोग या 10 लोग हैं, एक हजार इनका प्लेटर मंगाए वो सबके लिए बहुत है और आपको पर हेड जो है मेरे ख्याल से फिर भी 2000 पड़ेगा। या तो आप, या तो आपने किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो उसे आप यहाँ पे ला सकते हैं, मुनासिब नहीं है आपके लिए बिल्कुल। ये देख लें कितने खूबसूरत मनाजिर हैं, सारे पैसे इसी मनाजिर के हैं। जो आउटडोर ये TKR के मालिक हैं आउटडोर वाले ताहिर, ताहिर भाई इनकी आउटडोर जो सेटिंग है वो बहुत ही जबरदस्त है। ये सलमान वाले ताहिर भाई तो नहीं है, इनकी आउटडोर की आपको सेटिंग दिखा देता हूँ मैं, ये ऊपर से आप देखें, ये रात के लिए सेटिंग्स कर रहे हैं। ये अपने ताहिर भाई फिर से नजर आ गए हमें, ताहिर भाई हर जगह हैं। ओहो ये देखें, फ्री का दमपुख जीत रहे हैं तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। इसकी छोटी सी शर्त है, मैं आपको बताना चाहूंगा शर्त क्या है। अभी आपको मोहसिन ने बताया कि फ्री का दमपुख आप यहाँ पे जीत सकते हैं, वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपको दिख रहा होगा वो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पता क्या करना है, छोटी सी इनकी शर्त है, शर्त ये है कि आपने इधर आके 10,000 रुपये का खाना खाना है जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद एक कूपन मिलेगा, आप वो इधर डाल देंगे बॉक्स के अंदर, उसके बाद महीने बाद जो है वो कूपन वो खोलेंगे और कोशिश करेंगे उसका जिसका नाम निकला उसके लिए दम पुख जो होगा इनका बिल्कुल फ्री होगा। चलिए अब हम जो इनका इंटरेस्ट है, खैर हमने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई उस तरफ की आउटडोर की क्योंकि वहाँ कुछ फैमिलीज थी वो बनाना ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था हमें, वो हमने इसलिए नहीं बनाया। अभी आपको इनका जो इंटरेस्ट है अंदर की तरफ है, इंडोर है वो दिखाते हैं और चलो वहाँ चलते हैं। अब ये जो इनका इंडोर है टर्किश आइसक्रीम पे आपको मिलेगा, टर्किश आइसक्रीम वाला वो जो मजाक होता है वो आपके साथ करेंगे, लेकिन ये उन्हीं के साथ करते हैं जो करवाना चाहते हैं, जो जलील होना चाहते हैं, जिनको जलील करते हैं, जिनके पास खैर वो कहते हैं ना जिनके पास पैसा होता है उनको जलील करना चाहते हैं और किसी को खास नहीं, बर्थडे डेकोर वगैरह भी कर सकते हैं अभी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। अभी ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे पानी भी आपको दिखेगा यहाँ पे, और ये फैमिली के लिए बैठने की जगह है, इंडोर भी है, खैर ये भी आउटडोर, इसका एक अदर इंडोर भी है, मैं आपको वो भी चेक कर। ये TKR का हमने जो मेन्यू लिया है देखते हैं, ये मेन्यू 10,000 का मेन्यू है खाली ये मजाक था खैर, मेन्यू आपको फ्री में दे देते हैं ताकि वो आपसे पैसे अच्छे खासे दे सके, आप इनके जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल देख सकते हैं, रेट्स देख सकते हैं मुनासिब हैं या नहीं, बस हम आपको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको समझ आ ही रही होंगी, हम देखते हैं हम खाना पीने का क्या सोच रहे हैं, अगर हमारा कुछ मूड बना तो फिर हम आपको बताएंगे। स्क्रीनशॉट लेके ना आप प्राइसेस देख लीजिएगा खुद ही, बस हमें अब ये रेस्ट का प्लान है हमारा, थोड़ी सी बैठ के हमने कहा रेस्ट कर लेंगे, बहुत घूम फिर लिया, घूम फिरने से मुराद ये जलील हुए हैं, मोनूमेंट गए वो भी बंद था, TKR में भी खास रश नहीं था इस टाइम क्योंकि अभी वो ओपन कर रहे थे। रेस्टोरेंट अच्छा है अगर आप लोग फैमिली के साथ आना चाहें, लेकिन तब आएँ जब आपको लगे कि अच्छे खासे पैसे आपकी जेब में। यहाँ पे खैर हम आए थे खाना खाने, खाना खाने से मुराद हम सिर्फ देखने आए थे, मजाक था खाना खाने वाली बात पे, 500 साढ़े गोल थी ना नहीं खाना किलो का, ज़रा मुश्किलात थी खाने पीने वाली। खाना हम खाएंगे जी 24/7 क्वेटा कैफ़े, इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, हम आपको वो भी दिखाएंगे, आपको लास्ट में व्यू दिखाता हूँ उसके बाद यहाँ से निकलते हैं।
बताने नहीं होती, मैंने गलती से बता दिए यार। दरअसल ना उसके बाद टीकेआर में खाना खिलाने के पैसे नहीं है तो वो नाराज हो गया, कहती मुझे खिलाओ। लेकिन उन दोनों वाली गर्लफ्रेंड है, गरीब है, गर्लफ्रेंड है। ये बात खैर जो है ना, ये हमें गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड ने गरीब बनाया, ये बात बात तो सही है। और ये हमारे इस दोस्त से बेहतर कोई नहीं जानता ये बात। इस दोस्त की कहानी यार ही नहीं अखी ना व्लॉग सारे फैल में अलग दोनों। इस दोस्त की कहानी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, एक व्लॉग मैं अपने दोस्त के ऊपर बनाऊंगा और इसकी सारी कहानी मैं आपको। अच्छा अच्छा, ये एक टाइम पे ये जो दोस्त है ना हमारा, इसके बाद मैं पूरा नहीं बताने वाला, मैं आपको सच सच बताऊं तो इसके बाद कल्टस होती थी ये इस तरह वाली, ठीक है। और अब ये दोस्त ये दूसरों की बाइक पे घूम रहे हैं जिसके पेट्रोल डलवाने के पैसे भी नहीं मिल रहे हमें। आजकल हमारे साथ ये हो रहा है। चलिए अब हम किसी और जगह सोचते हैं जाने का, किसी न किसी जगह जाते हैं ताकि हम आपको घुमा सकें। आज जिस नियर से हम आए थे वो हो नहीं पाया था, तो वहाँ जाके मिलते हैं। ओके, तो ये तो समझ आएगी होगी कि हम जलालत के बाद वापसी पे हैं। मोनूमेंट से बिल्कुल बंद मिला। अगर आपको ये 1969 कैसे दिखे, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये भी कैफे है। यहाँ भी आप फैमिली कर रहे हैं, ये भी औकात से बाहर है। हाँ, ये भी औकात से बाहर है। ये इसके बारे में सोच समझ के आए जो लोग फैमिली के साथ आना चाहते हैं वरना सीरियस नोट आ सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त जगह है बैठने की भी और खाने की भी, बहुत ज़बरदस्त जगह है, ठीक है। और अभी हमारा मूड है कि हम जाएँगे ज़रा क्वेटा कैफे, वहाँ बैठते हैं, कुछ खाते हैं और वहीं पर जो हमारा व्लॉग होगा आज हम क्लोज भी करेंगे। हमारा मूड था वैसे हम लोग वेर से आएँगे या फिर ऊपर जाएँगे मोनूमेंट्स, तो वहाँ कुछ प्रैंक्स करेंगे, कुछ लोग होंगे, लेकिन वहाँ बिल्कुल बंद मिला, कोई मिला ही नहीं। तो हमारे साथ ही खैर प्रैंक हो गया, तो हम किसी और के साथ क्या प्रैंक करते हैं। वजीन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है यार, सोचा था घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे, लेकिन वीकेंड पे भी यार कोई एंजॉय नहीं करने, यानी कि हॉलीडे पे भी कोई एंजॉय नहीं कर सकते। हमें लगा फिर हमें ही हॉलीडे मिला है, सबको मिला हुआ है भाई, सब कुछ बंद है यहाँ से। और जिन जिन को हॉलीडे मिला हुआ है वो मज़े करें घर में, हम निकले बाहर के मज़े करेंगे। बाहर भी जलील थे, घर भी जलील, ठीक है। हम माईट मरकज आ चुके हैं। खैर जहाँ हम जो रहे थे वो डबल रोड की तरफ, सिक्स रोड की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमने एटीएम यूज़ करना था। ये एटीएम यूज़ करते हैं और क्योंकि पेट्रोल के भी पैसे नहीं थे हमारे पास, पेट्रोल भी डलवाना है और कुछ, क्योंकि कहीं बैठेंगे खाने पीने के लिए अब जरा पैसे होने चाहिए। अभी ये जो मतलब 500 में अभी ये जो पैसे मिलेंगे ना, कोई 2-4 लाख रुपए, 50,000 तो खैर मैं निकलवाऊंगा, एक सिफर जो है नवाब हुआ वो खुद ब खुद कम करने। चलो माशाल्लाह से हमें एटीएम जो है आ चुके हैं। अब ये मैं बहुत ज्यादा पैसे निकलवाने वाला हूँ, मैं आपको शो करा दूंगा। मैं कोड क्या लिखेगा, कोड जो है ना मैं वो छुपा के लगाना चाहूँगा, क्योंकि पैसा बहुत है मेरे पास, मैं कह रहा हूँ हम निकलवा ना ले। अब ये इधर टच होता है मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये देखिए पूरा 1 लाख रुपया एक ग्लिच है। चलो कार्ड में निकाल दूँ, पैसे ये निकालेंगे भाई साहब, तो मशीन में जितने भी पैसे निकलेंगे ना आधे आधे हम बांटेंगे, देखना। चलो ये हमारा कार्ड हमारे पास आ चुका है। बांट दिया ना हमारा काम। हाँ जी, हम आ गए फिर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे क्वेटा पे भाई। क्वेटा पे जब हम देखते हैं यहाँ पे किस रेस्टोरेंट पे बैठे और खाना खाएं, और उसके बाद इंशाल्लाह घर घर जाते हैं। आज का व्लॉग इतना ही था, इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ख्याल रखिए अपना, हाफिज़।